ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, इज मोर या इज हायर। और जहां पर ऑप्टिकली उल्टा लिख दिया ना, इस लेसर लिख देता हूं, और जहां पर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर। देन इसको लिखिए, इसको लिखिए स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये लिखा हुआ है जो बोर्ड पर, इसको उतारिए। और यहीं से हमें दो बातें और समझ में आएंगी, यहीं से हमें दो बातें और समझ में आएगी, क्या तो उसको देख लेते हैं। पहली बात, जब कभी भी, पॉइंट नंबर वन, व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम कहां से कहां, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरह क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। क्यों बेंड करेगा, उसका कारण है कि ये अगर आपका मीडियम है, दिस इज योर डेंसर मीडियम, और लाइट जब कभी भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को जाती है तो ये किधर बेंड करती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यहां ज्यादा है, यहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मीडियम वन का स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन मीडियम टू का स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए लाइट कहां बेंड कर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करता है कि लाइट किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। बने आगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्लियर, लिख लिए, डायग्राम बनाए, जल्दी बनाइए। तो फिर एक और पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है, राइट, पॉइंट नंबर टू, व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स, पॉइंट नंबर टू है, व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, अच्छा डेंसर बोल रहा हूं इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होगा लाइट के साथ, द लाइट विल मूव या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो कहां चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये अगर आपका मीडियम है, दो मीडियम का सेपरेटर है, ऊपर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, नीचे कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा, और क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं कि एंगल आई जो है वो छोटा है एंगल आर से, और पीछे वाले में भी आप लिख लीजिएगा, यहां पे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंगल आई बड़ा है एंगल आर से। ये दो लाइन जरूर लिखिएगा, तो फिर हम लोग अगले क्लास में
जब इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे तो वहां यह ध्यान रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। क्लियर ये डाउट? तो कंक्लूजन क्या है, जब कभी भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जहां पर दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, ऊपर वाला ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है या रेयरर हो सकता है, नीचे वाला ऑप्टिकली डेंसर या रेयरर हो सकता है, जब कभी भी लाइट ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब कभी भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब कभी भी ऐसा हो रहा है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल डेंसिटी, दैट इज मास बाई वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी इज ओनली रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। समझ में आया? क्लियर? रखते हैं यहां तक। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।